Now, clicking on the subscribe button is not enough to get notified every time. You need to hit the bell button also to get all the notifications from my channel. Hey guys, what's up? This is Prerna Jhal. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So guys, first of all, wish you all a very happy Navratri. Halaki Navratri ke 3 din nikal chuke hain, 3 puja ho chuki hai. But still, wish you all a very happy Navratri. And main aap sab logon se ek baat share karna chahti hoon ki maine pehli baar 9 din ka fast rakha hai Navratri ka. Abhi tak jab bhi kabhi मैं फास्ट रखती थी तो मैं पहली पूजा एंड अष्टमी की पूजा फास्ट रखा करती थी, बट ये पहली बार मैंने फर्स्ट अपनी पूरे लाइफ टाइम में पहली बार मैंने 9 डेज का फास्ट रखा है. तो भगवान करे कि मैं जिंदा बच जाऊँ. जोक्स अपार्ट, यूजुअली लोग क्या करते हैं जब 9 डेज का ये नवरात्रा आता है तो नवरात्रि में लोग सोचते हैं कि चलो यार 9 दिन का फास्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हमारा वेट लूज कर लेते हैं. जितनी भी हमने चर्बी चढ़ाई हुई है सब चर्बी हम 9 डेज में ख़त्म कर देंगे हम फास्ट करके. बट आफ्टर 9 डेज जब वो 10th या 11th डे को अपना बेली फैट चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो पता चलता है कि 3-4 इंच तो ऊपर नीचे हो चुका है. उनकी इंचेस बढ़ी जाते हैं मोस्टली. क्यों? क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो हम फास्ट में हेल्दी चीज़ें खाने के अलावा बाकी सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई नवरात्रि है तो नवरात्रि में अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फास्ट में कि हमें ये चीज़ नहीं खानी, हमें वो चीज़ नहीं खानी. तो हम खाने क्या लगते हैं जो चीज़ एक्चुअली में हमें खानी नहीं चाहिए, लाइक फ्राइड हम पोटैटो खाने लगते हैं, हलवा खाने लगते हैं, मीठी चीज़ें और चपक के खाने लगते हैं. तो इन सब चीज़ों से वेट कम होने के बजाय वेट और गेन हो जाता है हमारा. और हम सोचते हैं यार हमने 9 डेज़ का फास्ट रखा और हमारा वेट तो और बढ़ गया, मेरी देखो मैं तोन निकल आई. तो एक्चुअली मैंने एक बार इसलिए फास्ट रखा है, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी इसीलिए फास्ट रखा है 9 डेज़ का कि भक्ति भी हो जाएगी हमारी एंड साथ ही साथ वेट लॉस भी हो जाएगा. बट जो मेरा वेट लॉस का वे है वो मैंने ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया है कि मैं कोई भी हलवा और मीठी चीज़ और फ्राइड पोटैटो और चिप्स और इन सब चीज़ों से तो दूर रहने वाली हूँ. और मैं कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने वाली हूँ इस नवरात्रि में, एक्चुअली बना चुकी हूँ और उसको फॉलो कर रही हूँ. तो देखती हूँ कि मैं 9 डेज बाद मेरा क्या 3-4 इंच की तोंद और निकल जाती है या कुछ कम होती है. तो चलिए फिर मैं आपको मैं इस नवरात्रि में मैंने जो जो डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करती रहूँ उन डाइट्स के बारे में, क्योंकि मैं जो भी डाइट फॉलो कर रही हूँ वो मैं वेट लॉस को ध्यान में रख के कर रही हूँ और मैं वो सारी चीज़ें बना रही हूँ और खा रही हूँ जो कि हेल्थ वाइज अच्छा हो. ये नहीं कि अब फास्ट है तो हम फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं या बहुत मीठा खा रहे हैं, कुछ भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खाएंगे. तो मैं वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी ताकि मेरे साथ साथ मुझे अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो साथ साथ आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए. और 9 डेज़ के आफ्टर 9 डेज़ जब आप व्रत करके हटें तो आपका कुछ इंचेस कम ही हो, बढ़े ना. तो आज मैं आपके लिए एक स्मूदी लेकर के आई हूँ, वेट लॉस स्मूदी है और काफ़ी हेल्दी स्मूदी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस स्मूदी की बेनिफिट्स बता देती हूँ. ये जो स्मूदी है ये बहुत टेस्टी भी है, डिलीशियस है. तो आप इसको खाने में आप बिल्कुल भी आप इसको लेने में हिचकिचाएंगे नहीं और इग्नोर नहीं मारेंगे या कतराएंगे नहीं. तो ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत लंबे टाइम के लिए आपको फुल रखता है. इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये आपका वेट लॉस करता है, ये आपको एनर्जेटिक रखता है लंबे टाइम के लिए. तो जो आप फास्ट के टाइम पे आप में बहुत लेजीनेस आ जाता है या बहुत लो फील करते हैं ये उन सारी चीज़ों से आपको बहुत दूर रखेगा और ये बहुत एक्टिव रखेगा आपको. तो चलिए हम अपनी आज की स्मूदी की रेसिपी जानते हैं. सो लेट्स नो अबाउट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट. और हमारे स्मूदी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है बीटरूट. जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गई है, पिछली बार भी बीटरूट बताया था, अभी भी फिर से बीटरूट बता रही है. तो सीरियसली आई एम ऑब्सेस्ड विद बीटरूट. मैं इतने इधर बीच ना मैं पागल हो गई हूँ बीटरूट के लिए और मैं अपने खाने में मोस्टली बीटरूट इंक्लूडेड रखती हूँ. अभी आपको और भी इतनी सारी रेसिपीज़ मैं जो बताने वाली हूँ ना आपको कहीं ना कहीं उसमें बीटरूट मिलना ही मिलना है. तो आप तैयार रहिए बीटरूट खाने के लिए, इस साल मैं आपको बहुत सारे बीटरूट खिलाने वाली हूँ. तो जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट है वो यही है बीटरूट. और बीटरूट के बेनिफिट्स आपको पता ही है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है उसके बेनिफिट्स. बट स्टिल मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ अगेन.
जस्ट टू रिमाइंड यू, ये बहुत ही लो कैलोरी होता है और इसमें हाई डाइट्री फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये आपको लंबे टाइम के लिए फुल रखता है और जल्दी आपको भूख नहीं लगने देता है, तो आपको ओवर ईटिंग नहीं होती है आपकी, और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, एंड जो भी लोग ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बनाना। अब बनाना का नाम आते ही मेरे पास सबसे बड़ा सवाल, सब लोग मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं, यार बनाना तो वेट लॉस के लिए होता ही नहीं है, बनाना तो वेट गेन करने के लिए होता है। जी हाँ बिल्कुल, बनाना वेट गेन कराता है, बट अगर हम इसे राइट वे में खाएं तो ये बनाना वेट गेन कराने की जगह पे वेट लॉस भी कराता है एंड बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्दी बना के रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये इसमें डाइट्री फाइबर बहुत हाई अमाउंट में होता है और इसमें एक स्टार्च होता है जो रेजिस्टेंस स्टार्च कहलाता है, जो कि हमारे वेट लॉस को बहुत अच्छा प्रमोट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, B6, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो आप इसे अगर अपने डेली डाइट में इंक्लूडेड रखोगे तो आपको, आप समझ ही सकते हो कितना हेल्दी एक ऑप्शन है आपके खाने के लिए। मैं तो इसे डेली अपने रूटीन में मैंने इंक्लूडेड रखा है। एंड हाँ, बनाना आपके वेट गेन के लिए कब हो जाता है, यही चीज़ आपके वेट गेन करने के लिए कब हो जाती है, जब आप इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएं, आप एक दिन में 5-6 बनाना खा रहे हैं या एक से ज़्यादा बनाना खा रहे हैं, तब ये आपका वेट लॉस के बजाय वेट गेन कर देता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि स्ट्रिक्टली बनाना को आप एक से ज़्यादा नहीं लेंगे। और दूसरी बात, आप कभी भी बहुत ज़्यादा पका हुआ बनाना, ओवरराइप जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में येलो एकदम पका हुआ सा बनाना मिलता है, आप उसे बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वो आपका वेट गेन कराता है। जो भी बनाना आप लें वो हल्का सा कच्चापन उसके स्किन में होना चाहिए, वो हल्की सी ग्रीनिश होनी चाहिए, आपको हमेशा वैसा ही बनाना चूज करना है, तभी वो आपके वेट लॉस के लिए अच्छा होगा, अदरवाइज वो वेट गेन करने लगेगा। तीसरी बात, आपको हमेशा मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जो बनाना स्मॉल साइजेस में मिलता है, बहुत ज़्यादा बिग बनाना आपको नहीं लेना, स्मॉल छोटे छोटे साइजेस वाले बनाने जो आते हैं वो आपको लेना है, और अगर आप बहुत ही छोटा कोई बनाना ले रहे हैं तब आप 2 बनाना ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल इंक्रीज मत कीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट हमारा है चिया सीड। चिया सीड आपको पता ही है कि कितना अच्छा ऑप्शन होता है वेट लॉस के लिए, और यहाँ पे मैंने जो चिया सीड यूज़ किया है तो ये हम फास्ट में नहीं लेंगे। जब हम फास्ट के अपने, अगर हमने फास्ट रखा हुआ है, इन 9 डेज में आप ये स्मूदी ले रहे हो, तो आप इस चिया सीड को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि फास्ट में चिया सीड नहीं खाना होता है। तो लेकिन मैं जब रेगुलर बेसिस पे अपने फास्टिंग में नहीं होती हूँ तो मैं चिया सीड इसमें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइट्री फाइबर होता है और ये भी आपको बहुत लंबे टाइम के लिए फुल फील कराता है, जिससे आपको डेफिनेटली भूख नहीं लगती है, और ये तीनों चीज़ें मिल करके इतना हैवी एक ब्रेकफास्ट आपका हो जाता है। अगर आप एक ग्लास स्मूदी ये ले लेंगे तो आपको बहुत ही लंबे टाइम के लिए भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आप इसमें चिया सीड ज़रूर रखिए, बट फास्ट में नहीं, ये ध्यान रखिए कि अगर आप फास्ट में स्मूदी को ले रहे हैं तो चिया सीड बिल्कुल नहीं लेंगे, आप फास्ट के अलावा चिया सीड डाल करके आप स्मूदी को डेफिनेटली लेंगे। और मैंने ये वीडियो फास्ट से पहले बनाया हुआ था, इसलिए मुझे आपको दिखाना था कि इसमें चिया सीड भी मैं इंक्लूड करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चिया सीड यूज़ करूँ, बट आप इसको नहीं लेंगे। तीसरा हमारा इंग्रीडियंट है मिल्क। मिल्क यहाँ पे मिल्क आपको उसी क्वांटिटी में लेनी है। मिल्क अगर जैसे जो कोई वेट लॉस प्रोसेस में नहीं है और उनको जस्ट फॉर ये एक हेल्दी ऑप्शन के वे में लेना है, तो डेफिनेटली आप उसमें मिल्क अपनी आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए स्मूदी की, या आप जितना चाहते हैं मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं वेट लॉस प्रोसेस में भी हूँ और जो लोग वेट लॉस प्रोसेस में स्मूदी को लेना चाहते हैं वो मिल्क को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही रखें, जिसमें कि ये स्मूदी बन के ग्राइंड हो सके और ईजिली ग्राइंड होकर के बन के रेडी हो सके। आप मिल्क की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे एंड हम इसकी स्मूदी बनाएंगे। और अब हमारे ये स्मूदी ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है, अब हम इसमें चिया सीड मिक्स करेंगे। बट रिमेंबर, अगर आप फास्ट में स्मूदी को ले रहे हैं तो चिया सीड आपको नहीं लेना है, सिर्फ
आप इसी तरीके से विदाउट चिया सीड आप इस स्मूदी को कंज्यूम कर सकते हैं और वो रेडी है। बट नॉर्मल डेज में आप इसमें चिया सीड बाद में मिक्स करेंगे। चिया सीड कभी भी ग्राइंड करते टाइम मत मिक्स करिए अगर आपको उसका वो क्रंची फ्लेवर लेना है तो। लेकिन अगर आपको क्रंची फ्लेवर उसका नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि वो सब कुछ मिक्स हो जाए, तो आप डेफिनेटली ग्राइंड करते टाइम भी आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून चिया सीड ओवरनाइट सोक किया है एंड उसके बाद उसको यहाँ पे इस स्मूदी में यूज़ किया है। और हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से चिया सीड को स्मूदी में मिक्स कर देंगे एंड अब ये रेडी है हमें हमारे कंजम्पशन के लिए। अब आप इसे आराम से मॉर्निंग में आप अपने इसे ब्रेकफास्ट में इजीली ले सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी एंड बेनिफिशियल ऑप्शन है आपके ब्रेकफास्ट का, जो कि आपका वेट लॉस भी करेगा और साथ ही साथ आपको पूरे दिन एक्टिव भी रखेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी फिट भी रखेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे अपने सोशल मीडिया लिंक्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन सारी रेमेडीज़ के बारे में पता चल सके। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे मोस्टली अवेलेबल रहती हूँ। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे उसका आंसर दूंगी क्योंकि मैं मोस्टली अवेलेबल रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।